हम सब योगाभ्यास के लिए खड़े होंगे, खड़े हो जाइए। ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ कमर में। हर अभ्यास को पांच की गिनती में करेंगे और दो दो बार करेंगे। विस्तार एक चार पांच, बीच मिलाएंगे एक दो तीन चार पांच, नीचे एक दो एक चार पांच, फिर से बीच में एक दो तीन चार पांच, पीछे की ओर एक दो तीन चार पांच, बीच में एक दो तीन चार पांच, ना नीचे एक दो चार पांच, बीच में एक दो तीन चार पांच। अब दाई ओर झुकाएंगे सेकंड को, एक दो तीन चार पांच, बीच में आएंगे एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट एक दो तीन चार पांच, पुनः बीच में एक दो तीन चार पांच, फिर से राइट एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। और राइट मूवमेंट होगा थर्ड पोज, एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, फिर से राइट एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट एक दो तीन चार पांच, तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, फिर से राइट एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच। अब फुल मूवमेंट होगा फोर्थ पोज, राइट ओर से घुमाएंगे एक दो तीन चार पांच, सेकेंड राउंड एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट एक दो तीन चार पांच, फिर से लेफ्ट एक दो तीन चार पांच। ग्रीवा चालन के बाद अब हम करेंगे स्कंद खिंचाओ, हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे एक दो तीन चार पांच, रुकेंगे एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, सेकेंड राउंड एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, स्कंद चक्र स्टार्ट एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ऊपर की ओर घुमाएंगे एक दो तीन चार पांच, सेकेंड राउंड एक दो तीन चार पांच, नीचे की ओर एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच,
एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, हाथ वापस एक दो तीन चार पांच। अब करेंगे कटी चालन, दाहिना पैर को थोड़ा फैलाएंगे, कटी चालन, एक दो तीन चार पांच, दाई ओर जाइए, होल्ड करिए, एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट एक दो तीन चार पांच, यहां रुकिए, एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, होल्ड, एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, लेफ्ट, एक दो तीन चार पांच, होल्ड, एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच। अब हम करेंगे घुटना चालन, घुटना चालन, एक दो तीन चार पांच, यहां रुकेंगे, एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, सेकेंड राउंड, एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार, और हाथ वापस पांच। अब हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाला आसनों में सबसे पहले ताड़ासन स्टार्ट, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, अब ऊपर की ओर खींचेंगे, एक दो तीन चार पांच, बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपने भावों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वासों को मुक्त भाव से बहने दें, बस इस प्रवाह को अनुभव करें। यदि संभव हो तो पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। अगला आसन करेंगे अर्ध चक्रासन, दोनों हाथ कमर में आ जाएगा, अर्ध चक्रासन स्टार्ट, एक दो तीन चार पांच, यहां होल्ड करिए, एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच, पुनः दूसरी बार दोहराएंगे पीछे की ओर, एक दो तीन चार पांच, होल्ड, एक दो तीन चार पांच, वापस एक दो तीन चार पांच। अब अगला आसन के लिए तैयार हो जाएंगे और बैठकर करने जाने वाले आसनों में हम सब बैठेंगे, बैठ जाइए, एक दो तीन चार पांच छह सात। अब बैठकर किए जाने वाले आसनों में दंडासन, दंडासन, दोनों हाथ दोनों पैर को निकाल लेंगे, एक दो तीन चार पांच, यहां रुकिएगा और
अगले आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। वज्रासन, भद्रासन, एक दो तीन चार पांच, होल्ड करें, एक दो तीन चार पांच, पुनः पैर लंबा करेंगे दंडासन में, एक दो तीन चार पांच, यहां रुकेगा, फिर से भद्रासन, एक दो तीन चार पांच, और अगले आसन के लिए हम पुनः दंडासन में वापस आएंगे, एक दो तीन चार पांच। अगला आसन है वज्रासन, एक दो तीन चार पांच। वज्रासन भोजन के उपरांत किए जाने वाला आसनों में से एक। आइए अगले आसन के लिए तैयार हो जाएंगे, अर्ध उष्ट्रासन, एक दो तीन चार पांच, दोनों हाथ कमर के पीछे आ जाएगा और पीछे की ओर झुकेंगे घुटने के बल पे खड़े होकर, स्टार्ट, एक दो तीन चार पांच, यहां पर रुकेंगे, एक दो तीन चार पांच, वापस, एक दो तीन चार पांच, सेकेंड राउंड, एक दो तीन चार पांच, होल्ड, एक दो तीन चार पांच, वापस, एक दो तीन चार पांच, पूरा शरीर नीचे, एक दो तीन चार पांच। अगला आसन है उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन के लिए दोनों पैर को खोल लेंगे थोड़ा सा फैसला और दाहिना हाथ उठाएंगे और बाएं कंधे में ले जाएंगे, एक दो तीन चार पांच, दूसरा हाथ बाया हाथ, एक दो तीन चार पांच, अब ऊपर की ओर देखें, एक दो तीन चार पांच, बाया हाथ वापस, एक दो तीन चार पांच, दाया हाथ वापस, एक दो तीन चार पांच, सेकेंड राउंड, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, होल्ड, एक दो तीन चार पांच, वापस, एक दो तीन चार पांच, दाहिना हाथ वापस, एक दो तीन चार पांच। ये रहा हमारा उत्तान मंडुकासन। अब आइए पुनः हम सीधे बैठ जाएंगे और एक दो तीन चार पांच, आसनों को हम यहीं पर विराम देते हुए और आइए हम प्राण जगत की ओर उठते पहुंचते हैं और कपाल भाति प्राणायाम करेंगे। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, दोनों हाथ मुद्राओं में और श्वासों को छोड़ेंगे दोनों नासिका से तो पेट जाएगा भीतर। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, श्वासों को छोड़ते जाइए। हर सांसें आपकी ओम कह रही है। कपालभाति प्राणायाम, सांसों को छोड़ते छोड़ते सोचो, मैं बीमार नहीं हूं, मेरे रोग मिट रहे हैं, मेरे रोग मिटेंगे।
मेरे रोग मिट गए, मेरा काम क्रोध लोभ मोह छल कपट राग द्वेष अहंकार बाहर हो रहा है। मेरे समस्त विचार सकारात्मक हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में कहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर परिधान नेमा। हर श्वास में अपने इष्ट को याद करते हुए दोनों आंखों के बीच उस दिव्य ज्योति को देखो और एक सेकंड में एक स्ट्रोक। आंखें बंद, हर सांस में अपने इष्ट का धरती की संजीवनी है यह प्राणायाम। इससे बढ़कर दुनिया में कोई दवा नहीं, महा औषधि कहा गया है योगियों द्वारा। अष्ट चक्रों का शोधन कपालभाति प्राणायाम, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्रों का शोधन, शांत हो जाइए, आंखें बंद रखिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, पढ़ाई में मन लगता है, मस्तिष्क में शांति आती है। आइए अगले प्राणायाम के लिए तैयार होंगे और वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम मृगी मुद्रा में और दाहिना नासिका में अंगूठा रखेंगे और बाएं से लेंगे, एक हाथ ध्यान मुद्रा में, अब दाएं से लेंगे और दूसरी ओर से छोड़ेंगे। जो खुली है उन नासिका से पुनः लें, बाएं नासिका से पूरे लंग्स में भरें,